तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि V3 के मिरर से इसमें 12,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है और 4 इंडिकेटर लगा हुआ है, नाइट आई की बल्ब लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें मॉडिफिकेशन की हुई है। बाइक का कलर आप देख सकते हैं वाइट कलर में, और वाइट कलर में काफ़ी प्यारी लगती है बाइक। और भाई साहब बात करें इसके प्राइस की, इस बाइक की जो आस्किंग प्राइस है वो है, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड करते हैं नए वीडियो की शुरुआत और देख सकते हैं हमारे सामने क्या खड़ी है, R15S। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने डोमिनार का रिव्यू वीडियो बनाया था जो बाइक सेल पे थी, तो आज ये बाइक सेल पे है R15S। तो भाई साहब बाइक का लुक आप देख सकते हैं, दोनों लाइट्स इसकी ऑन है, क्या झकास लग रही है देखने में, है ना। और बाइक का ओवरऑल मैं लुक दिखाता हूँ, बाइक को चला के भी दिखाऊँगा, पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस दूँगा इस बाइक का, बाइक कैसी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये R15 V2S है, ठीक है। तो इसकी जो पिछली सीट होती है ये फ्लैट होती है, मतलब V2 में क्या होता है सीट ऊंचा होता है, और इसमें फ्लैट है। इसमें आप अपने फैमिली को भी आराम से बैठा सकते हो, देख सकते हैं सीट एकदम मस्त है इसका। पीछे पकड़ने का भी दिया गया है और साड़ी गार्ड भी है, तो साड़ी गार्ड की वजह से इंसान एक साइड आराम से बैठ सकता है इसमें। और भाई इसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाइड है, जैसे कि इसकी हेडलाइट्स तो इसमें लगी हुई है, नाइट आई की बल्ब्स देख सकते हैं वाइट कलर की, और काफ़ी प्यारी लग रही है, काफ़ी ब्राइट है। 2 दिनों से बाइक में चला रहा हूँ और काफ़ी अच्छी माइलेज भी निकल के आ रही है इससे, और कितनी माइलेज निकल के आ रही है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं V3 की मिरर्स भी है इसमें, R15 V3 की मिरर्स है। और यहाँ पर है 4 इंडिकेटर स्विच, तो इसको मैं ऑन कर दिया, इधर मैं टैप कर दिया और देख सकते हैं ये 4 इंडिकेटर इसके ऑन हो चुकी है। गाड़ी के किलोमीटर्स की बात करूं तो ये गाड़ी चली हुई मात्र 12,000 किलोमीटर, और गाड़ी को थोड़ा रेव देता हूं, तो गाड़ी फुल मक्खन है भाई साहब। तो इस गाड़ी को चला के दिखाता हूं मैं आपको, तो चलिए थोड़ी सी राइड करवाता हूं इस बाइक के, मैं आपको यहाँ कैमरा एंगल बस सही कर लूँ ताकि आपको कैमरे में अच्छे से दिखे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि V3 के मिरर से इसमें 12,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है और 4 इंडिकेटर लगा हुआ है, नाइट आई की बल्ब लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें मॉडिफिकेशन की हुई है। बाइक का कलर आप देख सकते हैं वाइट कलर में, और वाइट कलर में काफ़ी प्यारी लगती है बाइक। और बाइक को भगा के देखे तो क्या ही कहना है इस बाइक का, ये बाइक आसानी से 140 टच करती है, 140। तो आगे रोड बंद है इसलिए बाइक को यहीं से टर्न लेंगे। और बाइक की ब्रेकिंग भी एक नंबर है, ज़बरदस्त है। और बाइक का लुक देख सकते हैं, ओवरऑल बाइक एकदम सीधी चल रही है। बाइक अगर एक्सीडेंटल होता है तो बाइक टेढ़ी मेढ़ी भागती है, तो देख सकते हैं बाइक पूरी सीधी चल रही है, मस्त है। हैंडलिंग इसका एकदम मस्त है, प्री ऑन बाइक है तो सब कुछ दिखाना ज़रूरी है। टायर की कंडीशन देख सकते हैं, इसके टायर्स काफ़ी बढ़िया है अभी, मतलब अभी चलने लायक है, पूरी नहीं घिसी हुई है। और पिछला टायर मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले टायर देख सकते हैं ये भी पूरी घिसी हुई नहीं, अभी बहुत सारा ग्रिप है इसमें। और बाइक की मेन बात है प्राइस, प्राइस कितनी है वो चीज़ मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। तो ये बाइक को जितना चला लो कम है, मतलब अच्छा लगता है चला करके V2। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो सीट कंफर्ट है भाई साहब, मेरे पास R15 V2 है, 2014 मॉडल है मेरे पास, 2014 की स्पेशल एडिशन। तो भाई साहब वो गाड़ी को मैं आज तक 2022 से आज तक मैं रखा हुआ हूँ, बस रीज़न है इसका माइलेज और इसका लुक। अगर इस बाइक में डबल बबल वाइजर लगा दो, विंगलेट लगा दो, तो ये बाइक सामने से पूरी बवाल दिखती है। और सबसे बड़ी बात इसमें आप अपने फैमिली को, सिस्टर्स को, अपनी माँ को आराम से बैठा सकते हैं। मेरे V2 में मेरी मम्मी बैठती ही नहीं, मेरे सिस्टर लोग बैठती ही नहीं, क्योंकि इसका सीट हाइट बहुत ज़्यादा है। इस बाइक में आराम से बैठ सकते हैं लोग। और भाई साहब बात करें इसके प्राइस की, इस बाइक की जो आस्किंग प्राइस है वो है 65,000। अगर कोई बंदा को ये गाड़ी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, नंबर पर आप कॉल करें। जो जेन्युइन बंदा होगा लेने के लिए, जिसको ये गाड़ी पसंद आएगी, तो रेट वो फिक्स नहीं है, रेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं इस बाइक का रिव्यू आपको दिया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।